आप पूरी जो, चूंकि मैंने तो किताब पढ़ी है अक्षरशः, आप पलायन की ये जो कहानी बता रहे हैं इसके पीछे मिलिटेंसी, लड़के यहाँ से वहाँ गए, उग्रवादी बन के लौटे, आतंकवादी बन के लौटे, JKLF और बाद में अलग अलग आतंकवादी संगठन, इसकी बुनियाद कहाँ से पड़ी? क्या वो बुनियाद, क्योंकि एक कश्मीर तो वो था जिसमें 47 के पार्टीशन के बाद कबायली हमला करते हैं, पूरी वैली में हल्ला मचता है कि कजाक आ गए, पठान आ गए जी। एक उदाहरण है जो आपकी किताब में भी है कि एक कश्मीरी मुस्लिम है, वो घोड़े पे बैठ के जाता है, उनको गुमराह करता है जी। और फिर उसको ईसा मसीह की तरह गाड़ दिया जाता है। तो एक तो वो कश्मीर का उदाहरण है जी। जिसमें लोग भाग रहे हैं, जिसमें जो आपने अपने चाचा के हवाले से लिखा है और उनके भी पिताजी की याद की वो महिला है कि अरे दामोदर पंडित और दूध पिला रही है जी, मतलब एक वो है जब पूरा कश्मीर अपने मजहब को किनारे रख के हिंदू हो मुसलमान हो जो पाकिस्तान प्रायोजित हमलावर थे उनसे लड़ रहा था और पीछे हट रहा था। तो वो 47-48 से हम 1990 तक कैसे आ गए? देखिए 47 में महात्मा गांधी जी ने कहा कि कश्मीर ही एकमात्र जगह है जहां उन्हें रोशनी की किरण नजर आती है। हालांकि ये बात भी सच है कि कई कश्मीरी पंडित परिवारों को 1947 में भी रोशनी की किरण नजर नहीं आई, उस वक्त भी उन्हें काफ़ी उस कम्युनलाइजेशन का शिकार होना पड़ा क्योंकि काफ़ी लोग आपके खिलाफ हो गए थे। लेकिन आपकी बात सही है, मोटे तौर पर एक सेक्युलरिज्म का आह्वान हुआ उस वक्त जिसमें हीरो बनकर उभरे मकबूल शेरवानी जैसे लोग जो हीरो हैं, कश्मीर के नहीं भारत के हीरो हैं, जो युवा थे और उन्होंने कबायली जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से पाकिस्तान से विद पाकिस्तानी आर्मी रेगुलर्स आए और उन्होंने कश्मीर पर धावा बोला और महाराजा हरि सिंह की जो सेना थी वो बिल्कुल छोटी उनके सामने बिल्कुल छोटी पड़ गई और वो नॉर्थ कश्मीर में आए और उन्होंने बारामूला में एक सिनेमा हॉल को रेप हाउस में तब्दील कर दिया। मकबूल शेरवानी की बहुत अहम भूमिका है कश्मीर को बचाने के लिए भारत के लिए, क्योंकि उन्होंने उनको गलत रास्ता दिखाया जिससे वो रास्ता भटक गए और वो सही वक्त पर श्रीनगर पे नहीं पहुँचे और उनका श्रीनगर एयरपोर्ट पे कब्ज़ा नहीं हो पाया। अगर मकबूल शेरवानी नहीं होते तो ये बहुत इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि कश्मीर आज भारत का हिस्सा नहीं होता, तो वो उनको रोल देना चाहिए। लेकिन उसके 60 से ही मेरी फादर हर समय की कई कहानियाँ और कई किरदार होते हैं राहुल, मकबूल शेरवानी का उदाहरण है, लेकिन जब आप मुजफ्फराबाद में फंसे सप्रू साहब की कहानी सुनाते हैं तब एक दूसरे ही कश्मीर का चेहरा सामने आता है जिसमें कई कश्मीरी थे जो उन हमलावरों को रास्ता भी दिखा रहे थे और तमाम पुराने नाते रिश्तों को ख़त्म कर रहे थे जी। इसीलिए मैंने कहा कि जब गांधी जी को वो रोशनी की किरण नज़र आ रही थी, एकमात्र रोशनी की किरण पार्टीशन के वक्त नज़र आ रही थी कश्मीर में, उस वक्त भी कई सारे केसेस ऐसे हुए हैं जहाँ पर कोई दूर दूर तक कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन एक मोटे तौर पर कुछ चीज़ों को अगर हम इग्नोर करें तो उस वक्त कुछ हीरो हुए हैं, उस वक्त मकबूल शेरवानी हुए हैं, तो कश्मीरी पंडितों में सोमनाथ बीरा जैसे लोग भी हुए हैं जो अर्ली 20s में उन्होंने अपनी जान गंवाई मुसलमानों को जम्मू में बचाने के लिए, जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट का शिकार होने वाले थे उन्होंने अपनी जान गंवाई उनको बचाने के लिए, तो इस तरह की कुछ मिसालें मिलती हैं। लेकिन 60s से अमूमन एक तौर पर ये देखा गया है कि धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा, एक डिस्क्रिमिनेशन माइनॉरिटी के खिलाफ जो है वो शुरू हो गया, जिस डिस्क्रिमिनेशन की चर्चा मैं इस शो से पहले भी आपसे कर रहा था कि एक कश्मीरी पंडित है अगर वो मेरिट के आधार पर भी उसको एक मेडिकल या इंजीनियरिंग सीट मिलती है तो उसको वो नकार दीजिए, उसको कह दीजिए कि पूरा भारत आपका है, हिंदुस्तान आपका है, आप कहीं भी जा सकते हैं, तो वो सीट हमारे लिए छोड़ दीजिए। तो इस तरह की घटनाएँ साथ हुई। अब आपने देखा होगा कि नॉर्मल डिस्कोर्स में हम ये कहते हैं कि कश्मीर में आतंकवाद के लिए 87 की रिगिंग जिम्मेदार है, जिस वक्त फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस की राजीव गांधी ने मिलकर वहाँ जो कुछ लोग कैंडिडेट जीत रहे थे उनकी इस्लामिक फ्रंट इस्लामी हाँ मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट हाँ उसे हम उर्दू में मुस्लिम मुतहदा महाज कहते थे उस ज़माने में, उनकी रिंग की उसमें से कुछ कैंडिडेट जीतने वाले थे पर उनको ज़बरदस्ती दूसरे कैंडिडेट को जीतवा के वो किया। ये एक ट्रिगर बना, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सच ये भी है कि एक इंसर्जेंसी मूवमेंट को कश्मीर में चलाने के लिए बहुत पुराने
स्कीम्स थी। और इस घटना से पहले, ये तो 87 की घटना है, इस घटना से बहुत पहले कश्मीर में एक कम्युनलाइजेशन प्रोजेक्ट बहुत बड़े स्तर पर शुरू हो गया था, जमात इस्लामी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू हो गया था, जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया था कि अब हिंदुस्तान के साथ हम नहीं रह सकते, हमें एक, जैसे मेरे हिस्टोरियन दोस्त हैं वेंकट धुलीपाला साहब, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वो पाकिस्तान के बारे में कहते हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की कल्पना एक नए मदीना के तौर पर की थी, तो उसी तरह एक नए मदीना की कल्पना कश्मीर में भी की जाने लगी जमात इस्लामी के द्वारा, रेडिकल फ्रिंज के द्वारा, कि इसमें उसी तरह होगा जैसे एक इस्लामिक स्टेट में जिस तरह चीज़ें चलती हैं उसी तरह चीज़ें शरिया के मुताबिक चली जाएंगी, क्योंकि इस्लाम सिर्फ एक मज़हब नहीं, एक वे ऑफ लाइफ है। तो उसी तरह, तो उस तरह के संकेत हमको उस वक्त भी मिलना शुरू हो गए जब जन्माष्टमी पे, जैसे साउथ कश्मीर में काजी निसार हैं और ये जो नेता थे उनके मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के, तो जन्माष्टमी पे जबरदस्ती काउ स्लॉटर करते थे। तो इस तरह की धार्मिक सार्वजनिक रूप से ऐलान करके उनकी हत्या भी बाद में हो गई, उनके आपस में क्लैशेस हिजब मुजाहिदीन के साथ क्लैशेस में। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के संकेत हमको मिलने शुरू हो गए थे, जिसका कल्मिनेशन 89-90 में हुआ, जब 4 लाख कश्मीरी पंडितों को अपना घर बार छोड़ के सब निकलना पड़ा वहाँ से।